पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ नूं इत्थों विभाग सारा कामकाज देखदा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट किन्ना कमी कितने लाल है कितने येलो है कितने नॉर्मल हैगा पंचकूला हो गया अंबाला हो गया यमुनानगर हो गया या फिर चंडीगढ़ के कुछ पार्ट हो गए इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भारी बारिश की संभावना है इसलिए हमने अभी इसको येलो अलर्ट में अभी रखा हुआ है। इस शब्दों में कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा खत्म है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ। एक जो 8, 9, 10 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ था वो आगे बढ़ चुका है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में तबाही हो रही है। लग रहा है कि एक और फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। कब तक आएगा? आने वाले एक सप्ताह में या उससे आगे या आजकल के दिन? अभी हम लोग वॉच पर रखे हुए हैं इसलिए हम लोगों ने येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ इस पर आपको कुछ अभी ज़्यादा बादल नहीं दिख रहे हैं लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट साइड में चले जाइए जैसे यूपी पर चले जाइए उत्तराखंड पर चले जाइए आपको गहरा दिख रहा है। हाँ गहरा बादल दिख रहा है तो यहाँ पर अभी बारिश की काफ़ी संभावना है। 4 जुलाई को ही हम हेवी रेनफॉल की वार्निंग दे चुके थे कि मतलब कि खासकर आपको नॉर्थ वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं जैसे J&K हो गया हिमाचल हो गया उत्तराखंड हो गया पंजाब और हरियाणा के भी जो ये सब पार्ट हैं जो पहाड़ों से लगे हुए हैं उसमें भारी वर्षा की संभावना है। लेकिन इतनी भारी वर्षा ये हमारे भी अनएक्सपेक्टेड था, हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। बारिश का होना शायद गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है इतना बड़ा। कहीं ना कहीं निकासी सही नहीं थी उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, नुकसान का कहीं हम खुद जिम्मेदार तो नहीं है। सब्जियां खरीदते होंगे उसमें क्या पॉलीथीन में सब्जी ले लिए यूज करने के बाद पॉलीथीन को कहीं भी हम डस्टबिन में प्रॉपर हम ये नहीं करते हैं कहीं भी डाल देते हैं। और एक बार ये पॉलीथीन आपको नाली में चला गया तो इस पॉलीथीन को डिस्पोज होने में आप उम्मीद नहीं करेंगे 400 से 500 साल लग जाते हैं। तो एक बार वो पड़ गया ब्लॉक कर दिया तो समझिए कि परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस देती है उसको मानने चाहिए। हम लोगों ने कितनी बार बोला कि आप वाटर सोर्स है उसके नज़दीक मत जाइए लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग खुशियाँ मनाने इंजॉय करने वाटर उसके पास जा रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं और मैक्सिमम मौतें जो है उसी के चलते होती हैं। लाल वाला बहुत ही खतरनाक है, आपको थंडर भी करेगा लाइटनिंग भी करेगा बहुत ज़्यादा बारिश भी करवा देगा। तो हम इसकी 3-3 घंटे पर इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और जिस जिन जिलों के थ्रू ये पास करता है उसके 3 घंटे पहले ही हम आपको नौकास्ट के थ्रू वार्निंग हम इशू कर देंगे कि 3 घंटे ये होने वाला है। सो 7 तरीक तो जिहड़ा लगातार मीह पैना शुरू होया सी ते कईए मोटे तौर ते 3 दिन लगातार जिहड़ा मीह पैंदा रहा तबाही उहने जो लिया के रखी हुई है सब दे सामने हैगी है। अज असी चंडीगढ़ विखे मौसम विभाग के दफ्तर च पहुँचे हुए हाँ। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ नूं इत्थों विभाग सारा कामकाज देखदा है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट किन्ना क मीह कित्थे लाल है कित्थे येलो है कित्थे नॉर्मल हैगा खारा निशान हैगा। सो इस विभाग के साइंटिस्ट AK सिंह साडे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे हाँ। सो AK सिंह जी अब ये जानना चाहेंगे जैसे 3 दिन मूसलाधार बारिश हो गई उसके बाद अब आगे की क्या स्थिति लग रही है? देखिए जो 3 दिन मूसलाधार बारिश जो हो गई थी वो सिर्फ मानसून की बारिश नहीं थी, मानसून के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं वो था। लेकिन वो दौर अब बीत चुका है, और नेक्स्ट 3-4 दिनों में जिस तरीक़ा से 8, 9, 10 को हम लोगों ने मौसम देखा है उस तरीक़ा की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है पूरे इंडिया में और पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। तो अभी भी पंजाब में और हरियाणा में हम मॉनसून की बारिश तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, इसकी पूरी उम्मीद भी है और ये खेती के लिए अच्छा भी है। इसके साथ ही हरियाणा के कुछ वो ज़िले खासकर नॉर्थ ईस्ट से ज़िले जो कि हिमाचल से सटे हुए हैं जैसे पंचकूला हो गया अंबाला हो गया यमुनानगर हो गया या फिर चंडीगढ़ के कुछ पार्ट हो गए इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भारी बारिश की संभावना है इसलिए हमने अभी इसको येलो अलर्ट में अभी रखा हुआ है। कोई संभावित तारीखें हैं कब तक हो सकती है? नहीं अभी हम वेदर वॉच पर रखे हुए हैं लेकिन ये जो 4 जिले हैं पंचकूला हो गया यमुनानगर हो गया और ये अंबाला हो गया इधर आपको इधर संभावना है, आज भी संभावना है कल भी संभावना है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा वेदर वॉच है उसको लेकर के हमने अभी पंजाब और हरियाणा दोनों का भी येलो मतलब बी अपडेटेड वाले में रखा हुआ है। आपको इसकी मतलब कि एक्सट्रीम वेदर जो जिस तरीके से 8, 9, 10 को हो चुका है उसकी अभी संभावना नहीं मतलब है। ये सीधे शब्दों में कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस का खतरा खत्म है? नहीं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ। एक जो 8, 9, 10 को जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया हुआ था वो आगे बढ़ चुका है,
वो आगे बढ़ चुका है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में तबाही हो रही है और उधर ईस्ट पार्ट में और तबाही, मतलब ईस्ट आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब लग रहा है कि एक और फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, तो हम एक्सपीरियंस कर, इसलिए हमने अभी येलो अलर्ट अभी कर दिया है। अच्छा, तो कुछ अंदाजा ये कब तक आएगा, आने वाले एक सप्ताह में या उससे आगे या आजकल के दिनों? अभी हम लोग वॉच पर रखे, अभी हम लोग वॉच पर रखे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मानसून की था, मानसून की तो बारिश होने वाली ही है, लेकिन इसको देखते हुए हमने सारे रीजन को येलो अलर्ट में, मतलब बी अपडेटेड वाले स्टेज में हम वेदर वॉच पर लगे हुए हैं। जी, तो एके सिंह जी, जब ये बारिश नहीं हुई थी 8-9, 8 से 10 जुलाई वाली, उससे पहले ये आसार बन चुके थे कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और भारी तबाही लाएगा, ये दिख रहा था? हाँ, हम लोग इसका ये वार्निंग आपको 4 जुलाई को ही हम दे चुके थे। अच्छा, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हाँ 4 जुलाई को ही हम हेवी रेनफॉल की वार्निंग दे चुके थे कि मतलब कि खासकर आपको नॉर्थ वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे J&K हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब और हरियाणा के भी जो ये सब पार्ट हैं जो पहाड़ों से लगे हुए हैं, उसमें भारी वर्षा की संभावना है। लेकिन इतनी भारी वर्षा ये हमारे भी अनएक्सपेक्टेड था, हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन दौर तो बीत चुका है, दौर तो बीत चुका है, और उतना जैसे अब वेस्टर्न डिस्टेंस जो आने वाला उतना स्ट्रांग नहीं है। जी जी, और फसलों के लिए लाभकारी रहेगा वो? नहीं, फसलों के लिए तो मानसून की बारिश लाभकारी है ही, और मानसून की भारी बारिश लाभकारी नहीं है, रह रहकर जो मानसून की नॉर्मल और मॉडरेट बारिश है उस तरीके से होते रहे तो फसलों के लिए लाभदायक है। जी अच्छा, जैसे कि AK सिंह जी, इंसान तो हम सब हैं, आप भी लंबे समय से विभाग में कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं बारिश का होना शायद गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है इतना बड़ा, कहीं ना कहीं निकासी सही नहीं थी, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, नुकसान का कहीं हम खुद जिम्मेदार तो नहीं है? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। अभी जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी ज़्यादा हमारे ऊपर ही आ रही है। आप देखिए, मैं कॉमन परसेप्शन से बोल रहा हूँ, आप भी अभी मार्केट जाते होंगे, आप सब्जियाँ खरीदते होंगे, उसमें क्या पॉलीथीन में सब्जी ले लिए, पॉलीथीन में सब्जी ले लिए, यूज करने के बाद पॉलीथीन को कहीं भी हम डस्टबिन में प्रॉपर हम ये नहीं करते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, और एक बार ये पॉलीथीन आपको नाली में चला गया तो इस पॉलीथीन को डिस्पोज होने में आप उम्मीद नहीं करेंगे 400-500 साल लग जाते हैं। तो एक बार वो पड़ गया, ब्लॉक कर दिया, तो समझिए कि परमानेंटली ब्लॉक कर दिया। तभी जो आपने चंडीगढ़ में भी ऑब्जर्व किया होगा या फिर यत्र तत्र आप देख भी रहे होंगे, नदी नालों में जगह जगह आपको पॉलीथीन के ढेर मिलेंगे और वो इसको ब्लॉकेज कर देते हैं और इसको खोलना आसान नहीं होता है। तो एक तरह से हम भी लोग जिम्मेदार है, एक फैक्टर हुआ। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अनवांटेड गवर्नमेंट के नॉर्म्स को हम लोग मानते नहीं हैं। घर बनाना है तो घर के आगे इंक्रोचमेंट करके हम बना दिए, आप नाली का निकासी बनाएंगे नहीं तो आखिर पानी जाएगा कहाँ? आप खुद भी देख सकते हैं, खरड़ के इलाके में, मोहाली के इलाके में मैंने देखा है, लोग बना रहे हैं इंक्रोचमेंट, तो पानी को तो अपना जगह चाहिए और वो अपना रास्ता निकाल लेगा, और हाँ, और उसका रास्ता यदि आपकी तबाही के साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो अपना रास्ता निकालेगा, इसके लिए हम भी लोग जिम्मेदार हैं। तीसरी बात ये भी है कि जब भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो हमको गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस देती है उसको मानने चाहिए। हम लोगों ने कितनी बार बोला कि आप वाटर सोर्स है उसके नज़दीक मत जाइए, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग खुशियाँ मनाने, इंजॉय करने वाटर उसके पास जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और मैक्सिमम मौतें जो है उसी के चलते होती है। तो हमको इस पर ध्यान देना चाहिए, खुद भी कॉशस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, प्राकृतिक आपदा तो आएगी लेकिन हमको सावधान रहना, निपटने के लिए प्रबंध खुद करने होंगे, प्रबंध हमको खुद ही करना है क्योंकि हम प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, हमको बस अपना प्रबंध करना है, जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है, निर्देश देती है, उसको हमको मानना है। जैसा अभी आपने बताया कि अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला येलो अलर्ट पे अभी रखा हुआ है, चंडीगढ़ में ऐसी कुछ संभावना या पंजाब के कुछ जिलों में कुछ बता सकें आंशिक? देखिए, जो वेदर सिस्टम जो होते हैं, उनका मूवमेंट जो होता है ना, हर एक मतलब कि मिनट्स पर बदलता रहता है। हम इसकी ट्रैकिंग हर एक 3-3 घंटे पर करते रहते हैं। तो अभी जो हमारा वेदर वाच का सिचुएशन जो बना हुआ है, हम लोग क्लियर कट देख रहे हैं कि यमुना नगर, पंचकुला, अंबाला और चंडीगढ़ से जिले जो हैं, खासकर यमुना नगर से साइड में जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट टाइप का है। अच्छा। लेकिन ये सिस्टम किस तरीका से मूव करेगा, मतलब हो सकता है इस तरीका से मूव कर जाए, इसलिए हमने कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को रखा हुआ है। जी, और यदि इससे संबंधित यदि कुछ होता है तो हर एक 3 घंटे पर हम लोग नाउकास्ट इशू करते रहते हैं और हम लोग वो इशू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। तो AK सिंह जी साइंटिस्ट हैं मौसम विभाग चंडीगढ़ में, उनके साथ हमारी ये बातचीत चल रही थी जिस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कितने ना कितने जिहड़े हुण पहाड़ी थोड़े इलाके हैगे ने, जिवें हुण उत्तराखंड, हिमाचल वल जे मीह अपनी मार कर रहा है, ईस्टर्न सैक्टर वल मार कर रहा है, तो पंचकूला,
यमुनानगर अंबाला इधर थोड़ा जिहा अपने आने वाले टाइम हले येलो तो हैगा कोई इतने घबराने की लोड़ नहीं हैगी है साइन जिहड़ा इत्थे आ रहा है विभाग ने जो तीन तीन घंटे बाद ट्रैकिंग होंदी जा रही है चंडीगढ़ के जे या पंजाब दे विच कोई इदां दी गल नहीं हैगी और खतरे वाली गल भी नहीं हैगी खतरे जी आपां गल कीती है दुनियावी पद्धर ते आके गल कीती है तां असीं आप ही जिम्मेदार सीगे जे मीह वरिया मीह वरना कोई गुनाह नहीं हैगा पर जिहड़ियां निकासियां बंद करतीयां असीं ते पॉलीथीन यूज इन्ना वध हो रहा है बरसाती गटर जिहड़े बंद हो गए सीगे उस करके कितें ना कितें तबाही मची है। सो एक शेर जरूर मुझे इस अवसर पर याद आ रहा है कि खता लम्हों की थी सज़ा सदियों को मिली। अगर दोबारा असी चाहते हैं अजिहा ना हो सानू खुद नू अलर्ट हो के कुदरत नाल नहीं लड़ना चाहिए सगों अपने ये प्रबंध खुद करने पैणगे। विजय शोक के नाल बलजीत मरवाहा चंडीगढ़।